बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडे छोले। बहुत इजी क्विक रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी बनके तैयार होती है। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनके तैयार होगी। हाफ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास, सॉल्ट हमने अलग ही रखा है, आपको आगे चल के बताते हैं अलग क्यों रखा है। 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज थी, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, उन्हें भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक पेस्ट है, 1/2 कप दही है हमारे पास। बड़े वाले 2 कप के बराबर हमने छोले लिए थे और उसे रात में सिर्फ सोडा डाल के पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह उठ के उसका पानी वॉश करके अच्छी तरह से दूसरा पानी लिया और उसमें बॉयल कर लिया। 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून के बराबर सोडा ऐड करके उसे बॉयल कर लिया और 8 अदद अंडे लिए हैं जिसे हमने बॉयल करके छिलका उतार लिया है। 1 कप के बराबर ऑयल लेना है, उसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गर्म हो गई। फिर हमने प्याज ऐड की, प्याज को 2 से 3 मिनट हमने फ्राई किया और फिर इसमें नमक ऐड कर दिया। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, नमक मैंने इसलिए यहाँ इस पॉइंट पर ऐड किया है क्योंकि इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इसे याद रखा करें, बहुत हेल्पफुल होते हैं ये काम के दौरान। और उसके बाद ही मैंने लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर दिया था और जब प्याज ब्राउन हो गई अच्छी तरह से उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं इसमें। अब मैं इसमें लाल मिर्चे और हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी और 1/2 कप के बराबर पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और नीचे भी ना लगे। देखिए, इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इनको स्पून की ही मदद से बिल्कुल पेस्ट टाइप कर लेंगे। इस डिश में तमाम चीज़ें बारीक बारीक कट करके डाली जाती हैं, प्याज और टमाटर, ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बने और अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। देखिए, टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हमने दही ऐड कर दी है। दही के बाउल में ही मैंने सिर्फ 2-3 टेबलस्पून के बराबर पानी लिया था, वो ऐड कर दिया था क्योंकि किसी भी बर्तन में कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैंने लिए 5 टेबलस्पून के बराबर चने। ये चने बॉयल करने के बाद लिए हैं मैंने। अब इनको स्पून की मदद से इस तरह से मैश कर लेना है और इससे हमारे सालन की ग्रेवी बहुत अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी सी बनके तैयार होगी। ये देखिए, स्पून की मदद से मैंने इसे मैश कर लिया है और यहाँ मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है। आप देख सकते हैं मसाला दानेदार तैयार हो चुका है और ऑयल अलग हो चुका है, इसका मतलब मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब ये जो चने का हमने पेस्ट बनाया था ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इतनी देर में मैं मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसे सब्सक्राइब नहीं किया और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए बहुत शुक्रिया। और जल्दी से रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी रेसिपी। ये देखिए जनाब, यहाँ मैंने डाला है पिसा धनिया, गरम मसाला और ब्लैक पेपर और तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पानी डाला है। ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल, मसाला हमारा भुन चुका है, तमाम चीज़ें फिर ऐड करनी है ये तीनों चीज़ें, क्योंकि इनकी खुशबू बहुत प्यारी सी, एक फ्लेवर और खुशबू होता है वो सालन में बरकरार रहना चाहिए। अगर पहला डाल देते तो भून भून के ये सब चीज़ें निकल जाती, इनकी खुशबू एक होती है बहुत प्यारी सी, वो सब चीज़ नहीं रहती है। ये सब चीज़ें हमेशा एंड में ऐड किया करें, स्पेशली गरम मसाला, पिसा गरम मसाला एंड में ऐड करना चाहिए, इससे सालन में एक फ़्लेवर और बहुत प्यारी सी खुशबू बरकरार रहती है। वो डालने के बाद मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट उसे भुना था और फिर इसमें छोले ऐड कर दिए थे। ये देखिए, छोलों को भी कुछ इस तरह से स्पून मैंने चलाया, बिल्कुल गल चुके हैं और इस तरह करने से सालन बहुत अच्छा सा हो जाएगा। मैंने छोले जिस पानी में बॉयल किए थे वही पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने लिया था, ज़्यादा शोरबा नहीं किया। और अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना आपको चाहिए शोरबा रखना है या बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा चाहिए। बिल्कुल गाढ़ा थिक फॉर्म में सालन हमारे घर में नहीं खाया जाता, इसलिए मुझे इस तरह करना पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब बारीक कटा हरा धनिया
और अदरक लंबी शेप में कटी हुई और साबुत हरी मिर्ची। हमने बिल्कुल एंड में ये सब चीज़ें डालनी है। हरी मिर्ची हमेशा एंड में डाला करें, इसका एक क्रंच और इसकी खुशबू होती है वो बरकरार रहनी चाहिए, सालन में अच्छी लगती है, इसीलिए मैं भी ये सब चीज़ें एंड में डालती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा, ये सब चीज़ें डाल के मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम पर रखा और देख लीजिए, दिस इज़ अ फाइनल लुक। बहुत यमी सा ग्रेवी और तार वाला सालन तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होगा। बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया। आप लोग भी ट्राई करें और फीडबैक करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, और कमेंट्स ज़रूर करिएगा।